सत्र में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पिछले सत्र में हम सभी ने भगवान को स्तुति किया था। भगवान को प्रकट कराने के लिए हम सब देवता अर्जुन के साथ मिलकर भगवान की दिव्य स्तुति किए थे, और स्तुति करने के बाद भगवान की वाणी प्रकट हुई। मेघ गर्भ दिया गया, मेघ के समान भगवान की वाणी प्रकट हुई। भगवान ने कहा, हे देवताओं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप निश्चित होकर वापिस लौटो। बहुत जल्द राजा दशरथ के पुत्र के रूप में मैं अवतरित होने वाला हूँ। आप लोग सब लोग जाओ और मेरी लीला में सहायता करो। आप सब लोग जाओ और अयोध्या में और वनों में जाकर वानर के रूप में प्रकट हो जाओ, जन्म ले लो, ताकि मुझे मेरी लीला में सहायता मिल सके। मैं बहुत जल्द पृथ्वी का त्राण करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित हो रहा हूं। और अब गोस्वामी जी इस कथा को परम पवित्र नगरी अयोध्या लेकर जा रहे हैं, जहां सूर्यवंश के राजा दशरथ पृथ्वी के राजा है। सूर्यवंश में जिनका जन्म हुआ है, दशरथ जी के पहले आइए हम इनके वंशजों के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें। ब्रह्मा जी से अनेक वंश चले, उसमें सबसे श्रेष्ठ रहा सूर्यवंश और सोमवंश। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप जी के पुत्र सूर्यदेव, और सूर्यदेव की पत्नी जिनका नाम था शनिया, सूर्यदेव के पुत्र हुए श्राद्धदेव मनु, जिसे विवस्वान मनु कहा जाता था। इस सूर्यदेव से जितने भी पुत्र उत्पन्न हुए, जितने भी परंपरा चली, वो सूर्यवंश का है। वैवस्वत मनु सूर्यदेव के पुत्र, वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए, और उन 10 पुत्रों में से एक पुत्र जिनका नाम था इक्ष्वाकु, मनु महाराज के छींकने से इक्ष्वाकु महाराज का जन्म हुआ। इक्ष्वाकु के पुत्र हुए विकुक्षि, सूर्यवंश का परंपरा के नाते सुखदेव जी कहते हैं, सूर्य के मनु, मनु के इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के विकुक्षि, विकुक्षि के पुरंजय, पुरंजय के अनिना, अनिना से प्रीत, प्रीत से विश्वरंगी, विश्वरंगी से चंद्र, चंद्र के योनाश्व, योनाश्व के शावत्स्व, शावत्स के प्रदाश्व, प्रदाश्व के कुबलाश्व, कुबलाम से गिडास्व, और गिडास के हरियश्व, हरियश्व के निकुंभ, निकुंभ से कुशास्व, कुशाव के, कुशास्व के सेनजी, और सेनजी के पुत्र हुए योनाश्व। योनास के कोई पुत्र नहीं थे, ऋषि मुनियों के द्वारा यज्ञ करवाया गया, वन में विचरण करने के लिए योनास गए। ऋषि मुनियों ने जल निमंत्रित करके रखा था कि उनकी पत्नी आएगी, जल को पिएंगे और गर्म होते हो जाएंगे। गर्मी के दिन होने के कारण योनास आए, पानी प्यास से तड़प रहे थे, तब उस जल को खुद ग्रहण कर, जो कि उनकी पत्नी के लिए रखा था कि उनकी पत्नी पिएगी और गर्म होगी। जल अभिमंत्रित था, मंत्र व्यर्थ नहीं जा सकता, अतः योनास राजा को गर्भ आ गया। इतिहास की यदि अद्भुत घटना किसी पुरुष के बालक का जन्म, बालक का जन्म होते ही उसे दूध चाहिए था, तब प्रश्न उठा, कह धाता, इसे दूध कौन देगा, इसकी माता कौन बनेगी। तब स्वर्ग से देवराज इंद्र आए, बोले मां धाता, मैं इसका धाता बनूंगा, इसलिए इनका नाम हो गया मानधाता। इस मानधाता की 50 कन्या हुई। आगे चलकर शौपरी ऋषि ने इस 50 कन्या के साथ विवाह किया। मानधाता के पुत्र हुए पुरुकुत्स, पुरुकुत्स के त्रिशदशु, त्रिशदशु के अनर्यण, अनर्यण के हरियश्व, हरियश्व के अरुण, अरुण के निबंध, निबंध के त्रिशंकु। राजा त्रिशंकु के विषय में आया है, विश्वामित्र के शिष्य। एक दिन विश्वामित्र जी के पास गए और बोले कि मुझे स्वर्ग में जाना है। तो विश्वामित्र जी ने समझाया कि देखो, स्वर्ग में जाने के लिए बहुत दाना है,
तब इत्यादि करना पड़ता है। बोले नहीं, मैं आपके बल से जाऊंगा, आप मुझे अपने तप के बल पर स्वर्ग भेजो। बोले ठीक है। इधर विश्वामित्र जी ने अपना बल लगाया और उधर देवताओं ने देखा कि ये त्रिशंकु जी बिना कुछ किए हुए, बिना यज्ञ किए हुए, बिना तप किए हुए, बिना धर्म किए हुए स्वर्ग में आ रहे हैं। उधर से देवताओं ने अपना बल लगाया, इधर से विश्वामित्र ने, उधर से देवताओं ने। अब ये ना नीचे रहे ना ऊपर रहे, सुखदेव जी गोस्वामी महाराज कहते हैं जब तक राजा त्रिशंकु लटक रहे नीचे। और ऐसे त्रिशंकु के पुत्र हुए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जिनके सत्य के विषय में सभी लोग जानते, जिनको पूरी दुनिया जानती है। हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित, रोहित के पुत्र हुए हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के विजय, विजय के भरु, भरु के वृक, वृक के पुत्र हुए बाहु। राजा बाहु की 1000 पत्नी, एक पत्नी गर्भवती थी, राजा बाहु की मृत्यु हो गई युद्ध में। 999 पत्नियों ने सोचा कि एक गर्भवती है, उनसे पुत्र की प्राप्ति होगी, वो राजा बनेगा, बाकी हम सब नौकरानी बन जाएंगे, उनका पुत्र होगा तो वो राजा बनेगा, उसकी माता राजमाता बनेगी, बाकी हम सब दासी हो जाएंगे। ऐसा एक काम करो, इसे जहर दे के मार डालो। तो गर्भ में ही जहर दिया गया, लेकिन भक्तों सूर्य वंश के ऊपर भगवान की अद्भुत कृपा हुई। समय बीतने के बाद उस बालक का जन्म हुआ, तो वो अपने जहर को अपने हाथ में लेकर आया। जो जहर उसे गर्भावस्था में दिया गया था, उस जहर को अपने हाथ में ले गया। जहर को संस्कृत में गर्ग कहते हैं, और गर्ग के साथ इस बालक का जन्म हुआ, इसलिए इसका नाम हो गया सगर। बाहु के पुत्र हुए सगर। राजा सगर के दो पत्नियां, उनमें एक पत्नी का नाम केशी और दूसरी पत्नी का नाम शुमन। सगर के 60,000 पुत्र थे, 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। घोड़े को छोड़ा इंद्र ने, घोड़े को गंगा के सागर के तट पर भगवान कपिल देव के आश्रम में छुपा दिया। सगर ने 60,000 पुत्रों को भेजा कि जाओ घोड़े को ढूंढ कर आओ। सब पुत्र गए घोड़े को ढूंढने के लिए, उन्होंने पूरी पृथ्वी पर खट्टा कर दिया, परंतु घोड़ा नहीं मिला। आगे चलकर उस गड्ढे में पानी भरा और उसका नाम हुआ सागर। आज जो एक सागर है, उसे सगर के पुत्रों ने ढूंढा है। भगवान कपिलदेव की कुटिया में पहुंचे, घोड़ा देखकर 60,000 पुत्रों ने भगवान कपिलदेव का अपमान किया। भगवान का अपमान करने के कारण, एक वैष्णव का अपमान करने के कारण, वो उसी समय उसी क्षण उसी स्थान पर चलकर भस्म हो गए, उसी स्थान पर मर गए। सगर के पुत्रों के असमंजस, अपने पितरों को अपने भाइयों की उद्धार करने के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए, परंतु नहीं हो पाए। असमंजस के पुत्रों के अंशुमान, अंशुमान वो भी प्रयास किए लेकिन नहीं हो पाया। फिर उनके पुत्र हुए दिलीप, इनके द्वारा भी भगवान कपिलदेव प्रसन्न तो हो गए। उपाय बताया, ब्रह्मलोक में पहुंची हुई गंगा को अधिक पृथ्वी पर उतारा जाए और उसमें उस गंगा में 60,000 पुत्रों की स्त्रियों को डाला जाए तो उद्धार हो सकता है, परंतु उस समय गंगा मात्र ब्रह्मलोक में ही थी। परंतु उस गंगा को राजा दिलीप पृथ्वी पर नहीं ला पाए, बहुत तपस्या की परंतु आया नहीं। दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ। भागीरथ जी ने अपनी तपस्या से देवी गंगा को प्रसन्न कर लिया, और फिर प्रश्न उठा कि मैं तो आऊंगी लेकिन मेरी प्रचंड वेग से ये धरती फट जाएगी, अतः मुझे रोकने के लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा। फिर भागीरथ जी ने शिव जी को प्रसन्न किया, और फिर शिव जी ने सोचा कि भगवान के चरणों को स्पर्श करते हुए निकलती हुई गंगा धराधाम पर आएगी, मुझे उसे निश्चित अपने चरण अपने सर पर धारण करना चाहिए। अतः भगवान शिव जी ने भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा को अपने सर पर धारण किया, उनको रोका और
भगीरथ जी ने अपने जो दादा थे उनके परदादा थे उनकी अस्थियों को गंगा में डाला, उनका उद्धार हुआ। फिर भगीरथ के पुत्र हुए श्रुत, श्रुत के नाभ, नाभ के सिंधुदीप, सिंधुदीप के प्रातायु, प्रातायु के आयुतायु, आयुतायु के ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के शर्वकाम, शर्वकाम के सुदास, सुदास के सौदास, सौदास के यस्मत, अस्मत के मूलक और मूलक के रघु। जब तक रघु राजा का जन्म नहीं हुआ था तब तक इस वंश का नाम था सूर्यवंश, परंतु जैसे ही रघु राजा का जन्म हुआ इस वंश का नाम हो गया रघुवंश। रघुवंश की बड़ी महिमा है। कहते हैं इनके पिता यज्ञ कर रहे थे, सोमायुग या अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, इंद्र को लगा मेरी गति छीन लेगा, अतः उस घोड़े को फिर से वो स्वर्ग में लेकर चले। इनके पिता ने इन्हें भेजा रघु को कि जाओ स्वर्ग से घोड़े को लेकर आओ। ये घोड़ा लेने गए, इंद्र के साथ बहुत भयंकर युद्ध हुआ। इंद्र ने देखा कि यदि मैं अब कुछ नहीं किया तो ये रघु मुझे मार डालेगा, और उसी समय उसने अपना वज्र का प्रहार रघु के ऊपर किया। रघु के ऊपर करते ही रघु मूर्छित हो गए, और इधर देवराज इंद्र को लगा वज्र का प्रहार कौन सर सकता है, निश्चित मर गया होगा। लेकिन रघु में बहुत क्षमता, वो वज्र के प्रहार से मरे नहीं, मूर्छित हो गए। उसी वज्र के प्रहार से जिससे वृत्रासुर जैसे असुर नहीं सहन कर सके, उस वज्र के प्रभाव को रघु सहन करे, और कुछ क्षण पश्चात पुनः खड़े हो गए और इंद्र से युद्ध कर। परंतु इंद्र समझ गया कि जो मेरे वज्र का प्रहार समझ सकता है वह निश्चित कोई महान और बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है। अतः इंद्र प्रसन्न हो गए, बोले तुम्हें मांगो जो तुम्हें चाहिए वर मांगो। रघु ने बोला देखो मुझे कोई वर और नहीं चाहिए, मैं आपसे बस वो घोड़ा लेने के लिए आया था, आप मुझे वो घोड़ा दे दिया गया। नीचे आए, पिताजी को दिया, यज्ञ खत्म हुआ। यज्ञ करने के पश्चात रघु राजा को हुआ कि इंद्र ने हमारे घोड़े को छिपा दिया था, अतः उन्हें पृथ्वी चाहिए, इसलिए रघु ने पूरी पृथ्वी को इंद्र को दान कर दिया और स्वयं भिक्षा मांगने लगे। और उसी समय भक्तों पुराणों में कथा आती है, कौस्तक नाम के एक ऋषि थे, कौस्तक नाम के एक शिष्य थे और उनके गुरु थे वरदान्तु। तो वरदान्तु शिष्य गुरु के पास एक कौस्तक नाम का शिष्य 14 विद्या सीखने के लिए गया, तो उस गुरु जी ने बोला कि मैं तुम्हें ऐसे ही शिक्षा नहीं दूंगा, इसके लिए तुम्हें कुछ मूल्य चुकाना पड़ेगा। बोले क्या मूल्य? बोले तुम्हें 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ेगी। बोले ठीक है कोई बात नहीं, अभी भी इस पृथ्वी पर प्रभु जैसे राजा है, मैं उनके पास जाऊंगा और 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लाकर आपको दे दूंगा। वो कौस्तक नाम का शिष्य प्रभु राजा के पास आया, देखा कि राजा यहाँ के कटोरे में भीख मांग रहा है। बोले मैं तो आया था, मुझे लगा कि आप 14 करोड़ मुझे स्वर्ण मुद्राएं दोगे, आप तो खुद भीख मांग रहे हैं। बोले ठीक है तुम्हें 14 करोड़ मुद्राएं चाहिए, मैं कल सवेरे तुम्हें 14 करोड़ मुद्राएं दूंगा। बोले आप कहां से दोगे, आप तो भीख मांग रहे हो। बोले आज रात को मैं कुबेर के ऊपर धावा बोलूंगा, थोड़ी आवाज जोड़ करके बोले स्वर्गलोक में आकाश में आवाज नहीं कुबेर जी के पास। कुबेर जी ने सोचा कल राजा रघु हम पे आक्रमण करेंगे, उससे पहले मैं 14 करोड़ मुद्राएं दे दो। अतः उस रात को बारिश हुई, पानी की बारिश, बारिश नहीं स्वर्ण मुद्राएं की बारिश। कौस्तक नाम के शिष्य को स्वर्ण मुद्राएं मिली और शिक्षा ग्रहण किया, और रघु जी का जो वचन था नहीं मिटा, इसीलिए उनके नाम पर इस वंश का नाम रखा गया रघुवंश। रघु के पुत्र हुए एडविड, एडविड के पुत्र हुए खटवान, खटवान की भी बहुत सुंदर कहानी है, आप बाद में भी श्रवण करेंगे। खटवान के पुत्र हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए फिर से रघु, रघु के पुत्र हुए यज, अज के पुत्र हुए दशरथ, और ऐसे दस राजा दशरथ ये अयोध्या के राजा थे। गोस्वामी जी राजा दशरथ के विषय में बहुत सुंदर कहते हैं, यवधपुरी रघुकुल मणि राओ
Yeah.
विष के पास ना जाकर गुरु के पास जाना चाहिए। राजा दशरथ अपने पत्नियों के पास नहीं गए, अपने मंत्रियों के पास नहीं गए, समाज के पास नहीं गए। राजा दशरथ कहाँ गए? गुरु के पास। राजा दशरथ गुरु के आश्रम में गए, दोनों हाथ जोड़कर गुरु जी के चरणों में गिर गए। राजा दशरथ की आंखों में आंसू है, पूरी दुनिया के राजा है पर आज आंखों में आंसू भर कर गुरु के चरणों में गिरे हुए। गुरु जी ने कहा, राजन धीरज रखिए। क्या हुआ? धरहु धीर हो यही सुन चारी, धरहु धीर हो यही सुन चारी। गुरु जी ने कहा, राजन क्या हुआ तुम्हें? क्या चिंता है? धीरज रखो। राजा दशरथ आंखों में आंसू लिए हुए हाथ जोड़कर गुरु जी से कहते हैं, गुरु जी इतनी पत्नियां हैं, विवाहों पे इतना समय बीत गया, मेरा जीवन में अभी तक कोई पुत्र नहीं पड़ा, पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। गुरुजी क्या मेरे जीवन में पुत्र सुख नहीं मिलेगा? क्या मैं जीवन भर किसी बिना पुत्र वाला रहूंगा? क्या मैं कभी पुत्र वाला नहीं बनूंगा? वशिष्ठ जी अपने वरद हस्तों पर कहते हैं, धरहु धीर हो कौशल्या के हृदय घरों में जो आ चुके,
और कहते हैं खुशी के दिन जल्दी बीतते हैं और परम पवित्र तिथि उपस्थित हो चुकी है। गोस्वामी जी ऐलान करते हैं वो परम पवित्र तिथि आ गई है, वो परम पवित्र मुहूर्त आ गया है। और उस परम पवित्र मुहूर्त में भगवान ने किस प्रकार से जन्म लिया गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। आइए सब लोग, परंतु भगवान आने वाले हैं ये देखकर सूर्य की आज शीतल बहुत सुंदर वायु पड़ने लगा है, बिल्कुल वातानुकूलित वातावरण हो गया, एयर कंडीशन का माहौल हो चुका है। आज भगवान आने वाले हैं ये सोचकर संतों के हृदय में आनंद होने लगा, अर्जुनों के हृदय क्षोभ उत्पन्न होने लगा। भगवान आने वाले हैं ये बात ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को पता चली। ब्रह्मा जी समस्त देवी देवताओं को बुला लिए और देवताओं के साथ पृथ्वी लोग पर आकर भगवान श्री रामचंद्र के प्रकट होने वाले हैं ये सुनकर समस्त देवी देवता अपने विमानों को सजा सजा कर नए नए वस्त्र आभूषण धारण करके इस पृथ्वी लोग पर आ, इस पृथ्वी लोग पर आके आकाश के माध्यम से फूल की दृष्टि कर रहे हैं। आज अयोध्या परम पावन हो रहा है, रावण के अत्याचार से वृक्षों ने फल और फूल देना बंद कर दिया था, पता चला भगवान श्री रामचंद्र आने वाले हैं, वृक्षों की डाली बहुत सुंदर फलों और फूलों से लद गई, रावण के अत्याचार से नदियां सूख गई थी, नदियों में बहा, रावण के अत्याचार से संतों के हृदय में जो दुख हुआ था, साधु संतों की अग्नि जो बुझ चुकी थी, आज भगवान आने वाले हैं तक वो अग्नि पुनः प्रज्वलित और साधुओं के मन में आनंद होने लगा और समस्त देवी देवता आकाश के मार्ग से दोनों हाथ जोड़कर भगवान को स्तुति कर स्तुति कर ही नाग मुनि देवा। शरणागत अस्तुति करणी नाग मुनि
अश्रुओं को विनाश करने के लिए, व्यक्ति विकायों की रक्षा करने के लिए, ऋषि मुनियों की अग्नि को पुनः प्रज्वलित करने के लिए, साधु संत महात्माओं को आनंद देने के लिए, जैसे बड़े बड़े पहाड़ों के पीछे से सूर्य प्रकट होता है, वैसे भगवान श्री रामचंद्र ने कौशल्या के हृदय गर्भ से अवतार धारण कर लिया। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री रामचंद्र इस पृथ्वी पर प्रकट हो चुके हैं। कौशल्या जी ने श्री रामचंद्र का प्रथम दर्शन किया, वहां पर कृष्ण का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, तो प्रथम दर्शन वसुदेव जी ने किया था, और दिन के रात के 12 बजे जन्म हुआ था, यहाँ पर दिन के 12 बजे जन्म हुआ, प्रभु प्रकट हुए हैं, कौशल्या ने दर्शन किया। उस कक्ष में मात्र भगवान है और कौशल्या है और कोई नहीं है। भगवान का जन्म हुआ है, किसी को पता नहीं है, बाहर कौशल्या के कक्ष के बाहर अनेकों दास दासियां सेवा के लिए हैं, परंतु कोई किसी को पता नहीं भगवान का जन्म हुआ है। और गोस्वामी जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि भगवान किस प्रकार प्रकट हुए। देवी कौशल्या भगवान की स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि भगवान जो है नॉर्मल बालक के रूप में प्रकट नहीं हुए थे, भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हुए थे, अतः भगवान साधारण बालकों की तरह रोए नहीं, अतः किसी को पता नहीं चला। और देवी कौशल्या ने बहुत सुंदर स्तुति किया, आई हम सब भी मिलकर उस स्तुति को दोहराए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या Gracias.
Yeah.
श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री गौरांग महा